हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी रात के बज रहे 3:30 और 3:30 बजे हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंदौर जो है वो 24 आवर्स चालू हो चुका है और आईवस जो रहती है वो भी 24 आवर्स चालू रहती है। तो हम लोग उसमें सफ़र करके और जा रहे हैं, तो आप लोगों को नेक्स्ट बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। देखते हैं अभी आईवस का वेट और देखते हैं कितने टाइम में आती है। तो आईवस आ चुकी है और अब हम लोग चलते हैं। तो गाइस, आईवस आ चुकी है और अब हम लोग चलते हैं। इसके अंदर क्या सीन है? ये सीन है गाइस आईवस का और यहीं पर टिकट हो रही है अंदर। और अब हम लोग जा रहे हैं अभी गीता भवन पे कैफे है, तो वो मेन रोड पर ही है, तो वो डेफिनेटली चालू होगा। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। तो गाइस, इंदौर जो है 24 आवर्स हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई भी कहीं भी 24 आवर्स के लिए जा सकता है और आईवस की जो सेवा मिल रही है वो भी बहुत शानदार है। हमें लग रही थी भूख, तो हम लोग बिस्किट वगैरह साथ ले आए थे, फ्रेंड्स वगैरह हैं हम चार, तो देखते हैं जाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं AICTSL और यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। सोचा रात का माहौल है, बस इंजॉय करना था, थोड़ा देखना था एक्सपीरियंस आईवस रूट का। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे और ये आईवस तो अब देखते हैं, चलते हैं पैदल गीता वन पे। पता तो है कि वहाँ पे एक कैफ़े है टीलोजी, ओपन रहना चाहिए 24 आवर्स, अगर ओपन हो चुका है ये तो। बाकी अब देखते हैं गाइस, चलते हैं क्या होता है। गाइस, हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आईवस जो है हमने एक्सपीरियंस की रात में, तो अब इंदौर जो कि 24 आवर्स हो चुका है, तो मतलब काफ़ी मॉडर्न की तरफ जा रहा है अब इंदौर। और मतलब आज काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि जाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, सो नहीं पा रहे थे। तो अभी हम सो चुके थे शाम को, तो अभी हम रात में नींद तो आएगी नहीं, तो इसलिए हम एक्सपीरियंस करने के लिए आ चुके हैं। गाइस, आपको भी बताते हैं और चलते हैं अब टीलोजी। हम लोग आ चुके थे गीता भवन और जैसा कि आप देख सकते हैं ये टीलोजी तो बंद है यहाँ पे। तो अब हमारा मन है कि हम आगे चलते हैं और ये गीता भवन स्क्वायर है, तो अभी चलते हैं विजयनगर साइड कुछ ना कुछ ज़रूर ओपन होगा, तो उसका हम एक्सपीरियंस देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए हम टिकट करवाते हैं आगे से यहाँ से। गाइस, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद और अब हम लोग चलते हैं विजयनगर। तो गाइस, हम लोग आ चुके थे अभी विजयनगर और काफ़ी सारी दुकानें चालू हो चुकी हैं यहाँ पर, तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या चालू है। और ये सामने देखिए आप, ये पंडाल बन रहा है नवरात्रि के लिए ये विजयनगर पर। और अब चलिए देखते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ पे कुछ ओपन है शॉप वगैरह और भीड़ भी काफ़ी है, तो चलिए के देखते हैं वहाँ पे है क्या। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चाय सुट्टा बार पे और यहाँ चाय वगैरह पियेंगे और निकलेंगे रूम पर। और आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो हम गए थे विजयनगर इसके पहले और विजयनगर वहाँ पर मैं व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि वहाँ कुछ लड़ाई वगैरह हो चुकी थी। पर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा 24 घंटे का जो ओपन रहा ये, तो उसके अकॉर्डिंग सही रहा। आपको कुछ भी काम हो तो आप आ सकते हैं। तो हम लोग व्लॉग को यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।